हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान की 3000 एमसीक्यूज की जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी, उसका आज ये 11वां पार्ट है। अब तक हम लोग 10 पार्ट कर चुके हैं। इनको आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी ने 2018 में अपने हर एक शिफ्ट में पूछे थे, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग कर रहे हैं। तो जिनको हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो दोनों में देख सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। और ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके, एलपी टेक्नीशियन या फिर आपके ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले होंगे, आरपीएफ या फिर जो भी एग्जाम है, सबके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। तो अब तक हम लोग 325 क्वेश्चन कर लिए थे, 326वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इनमें से कौन सा है जो पैरेलली कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? अब देखिए, जो फ्यूज है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट के साथ, क्योंकि इसको किसी भी अप्लायंसेस को जलने से बचाना होता है। इस वजह से ये सीरीज में सिंपली ऐसे कनेक्ट हो जाता है, और जो भी हम फ्यूज लगा रहे हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आए तो ये जल्दी जल जाए और इस अप्लायंसेस को बचा ले। ऐसे ही जो अमीटर होता है ये भी आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमको करंट पता करना है कि इस अप्लायंसेस में कितना जा रहा है। तो यहाँ से करंट आ रही है, जब तक इसको हम सीरीज में नहीं कनेक्ट करेंगे करंट हमको नहीं बताएगा कि कितना फ्लो हो रहा है। ऐसे ही जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये भी सीरीज में कनेक्टेड होता है, और ये बेसिकली बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी लगभग माइक्रो एम्पियर या माइक्रो वोल्टेज वोल्टेज को मेजर करता है। इवन ये आपका डायरेक्शन भी बता देता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है, ठीक है? तो ये गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में कनेक्टेड होता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है ये किसी भी दो टर्मिनल के बीच, यहाँ पर एक कोई आप अप्लायंसेस रख दो और यहाँ के बीच का वोल्टेज, यानी एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है वो बताता है। इस वजह से इसको हम इस टर्मिनल के सहारे पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ताकि ये इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उनके बीच का डिफरेंस बता सके। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज, ठीक है? तो वोल्ट मीटर हमारा जो होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है? तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.5 डायोप्टर, द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लेंस का जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो ये आप याद रखिए। दूसरी बात, ये हमको पावर तो दे दिया है, पूछ रहा है बताइए इसका फोकल लेंथ एफ कितना होगा और ये कैसा लेंस होगा, कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, राइट? तो यहाँ पर अगर हम बात करें पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। तो एफ हमको निकालना है, ये 1/p हो जाएगा और पी हमको गिवन है -2.5, तो सिंपली ये हमारा आ गया 25 चौका 100, यानी 0.4 मीटर, वो भी माइनस में। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो लेंस है वो आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। देखिए, कॉनकेव जो लेंस होते हैं ना, कॉनकेव लेंस और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आप जब इनको और डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जितने भी इमेज इस लेंस के लेफ्ट साइड में बनेंगे उनका जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, और इसमें हमेशा इसमें जो फोकस आपका होता है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो सब लेफ्ट साइड में होता है। तो जो फोकल लेंथ होगा वो लेफ्ट साइड में होने की वजह से ये नेगेटिव में होगा, और यहाँ पर हमारा जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में है, इस वजह से ये कॉनकेव लेंस है। और वहीं पर अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता तो जो फोकस होता और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता वो सब सारा चीज राइट साइड में होता, और राइट साइड में जितने भी हम डिस्टेंसेस लेते हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं, इस वजह से अगर पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं कॉन्वेक्स होता। तो फिलहाल में यहाँ पर माइनस है तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको अगर डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा। आगे है, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? सिंपली आपको पता है, बचपन की चीज है, सबसे पहले सब्लिमेशन का नाम सुनकर तो आपके दिमाग में कपूर आता होगा, ठीक है? कि कपूर को हम जलाते हैं तो ये लिक्विड में ना बदल करके सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कपूर आपका सॉलिड है, बीच वाला जो प्रोसेस होता है कि किसी सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड में पहले बदलता है फिर गैस में बदल के उड़ जाता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। सॉलिड से सीधा गैस में जो कन्वर्ट हो सब्लिमेशन हो गया। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू वेपर, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स हैज इट्स आउटर मोस्ट सेल फील्ड? इनमें से कौन से ऐसे तीन एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल भरे हुए होते हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट सेल में उनका ऑक्टेट पूरा होता है, या तो एक सेल अगर होगा तो दो इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, दो सेल होंगे तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, तीसरे में 8, या फिर 4 सेल के होंगे तो उसमें 16 के 16 भरे होंगे। तो ये आपका इनर्ट गैसेस होती हैं, आपको पता होगा, हेलियम हो गया, आपका नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो जितने भी 18वें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिनको इनर्ट गैसेस कहते हैं हम लोग, नोबल गैसेस कहते हैं, ये आपके क्या होते हैं, पूरे आउटर मोस्ट शेल इनके भरे हुए होते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे आर्गन का 18 है तो 2, 8, 10, 8, 18 आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ है।
who predict the existence of some yet to be discovered elements on the basis of gaps in his periodic table. अब किसने अपने आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी? तो ये मेंडलीफ साहब ने कर दी थी। मैंने इससे रिलेटेड इक्वेशन कराया था आपको, तो वहां पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि जो भविष्यवाणी उन्होंने करी थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो मेंडलीफ साहब ने करा, एक तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बट इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को गायब पाया, उनका नाम इन्होंने रखा इका बोरान, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, जो कि आगे चल करके क्या कहलाएं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इका बोरान आगे चल करके स्कैडियम कहलाया, इका एल्युमिनियम आगे चल करके गैलियम कहलाया, और इका सिलिकॉन आगे चल करके जर्मेनियम कहलाया। मुझे पता है आप इसको भूल जाओगे, इस वजह से कुछ चीजें आप याद रखो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी एस सी, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए जी एल ई आ गले, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस यानी यस, और ये आपका मैन। आप ऐसे याद रखो बी एस सी आ गले मिल यस मैन, बी फॉर बोरॉन, एस सी फॉर स्कैडियम, ठीक है, एस सी फॉर क्या है आपका स्कैंडियम, और ए फॉर एल्युमिनियम, ए फॉर एल्युमिनियम, और गले फॉर गैलियम। तो आप याद रखो बी एस सी आ गले मिल और यस मैन, यस फॉर सिलिकॉन, और जी फॉर जर्मेनियम यानी सॉरी मैन फॉर जर्मेनियम, यहां से मैंने मैन उठाया है, तो यस मैन जर्मेनियम। मैं इस वजह से ये आपको कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भूल जाओगे आगे चल करके किसका क्या था। पूछ दिया इका एल्युमिनियम का आगे चल करके क्या नाम रखा गया, तो आप जर्मेनियम गैलियम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एल्युमिनियम आप देखोगे तो आ गले मिल आपको याद रहेगा, तो आ गले मिल का मतलब गैलियम, आप कुछ रिलेट कर पाओगे। और सिलिकॉन होगा तो एस यस मैन था यानी सिलिकॉन यानी जर्मेनियम, मैन मैन जर्मेनियम, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या फिर जो भी आपको लगे, जैसे भी अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। आगे है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्काइन। अब मैंने आपको कई बार बताया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। अब दो कम कर दो आप इसमें से CnH2n सिंपली, बस ये एल्कीन हो गया, और दो और कम कर दो यानी दो और कम करने के लिए दो हमको घटाना होगा, तो ये एल्काइन हो गया। तो एल्काइन का फार्मूला हमारा क्या हो गया BCnH2n-2, ठीक है। इसमें n की वैल्यूज आप 1, 2, 3 रखकर देख सकते हो क्या क्या चीजें बनेंगी। आगे है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 joule रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग हाइट। मतलब सिंपली ये कह रहा है 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 joule की स्थिति ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होता है, किस ऊंचाई पर होगा तब एनर्जी 2 joule होगी। तो यार ये तो मतलब कई हम लोग कई दिन से करते हुए आ रहे हैं, MGH ऊंचाई वाली बात आती है तो एनर्जी, ठीक है। तो 2 joule गिवन है पहले से ही आपको, एम आपको पता है 1 kg है, और यहाँ पर मैं देना भूल गया हूँ G=10 m/s² गिवन है, तो G की वैल्यू 10 आप रख लो और H की वैल्यू आपको पता करना है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 2/10 यानी 0.2 meter। सो D ऑप्शन करेक्ट है। ये सब बिना पेन पेपर वाले सोल्यूशन है, आपको पेन उठाने की जरूरत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे है इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन अ लेयर ऑफ विच मेटल इज अप्लाइड ओवर आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन पर कौन सा मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, तो जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, जस्ते का लेयर चढ़ाते हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि लोहे के ऊपर जंग ना लगे इससे बचने के लिए हम जस्ते का एक लेयर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल आपको बताना है। राइजोम को हिंदी में प्रकंद कहते हैं, ठीक है, प्रकंद। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका जिंजर, ठीक है, अदरक, अदरक। और भी अच्छे एग्जाम्पल जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बम्बूज जो बांस होते हैं, ठीक है, और जिंजर हो गया आपका, टर्मरिक, हल्दी हो गया आपका, ठीक है, हल्दी हो गया, लोटस, ये एग्जाम्पल है अच्छे जो कि है राइजोम के एग्जाम्पल, ठीक है, बम्बू, जिंजर, टर्मरिक और लोटस। ऑनियन जो है ये आपका बल्ब का एग्जाम्पल है, ठीक है, बल्ब का एग्जाम्पल है। और पोटैटो जो है ये आपका ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ट्यूबर, इसको कंद भी कहते हैं हिंदी में। तो पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ऑनियन बल्ब का एग्जाम्पल है, और जिंजर ये राइजोम का एग्जाम्पल है, और बम्बू, जिंजर, टर्मरिक, लोटस ये भी राइजोम के एग्जाम्पल है, इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे है सेरियम 58 तत्वों के ब्लॉक का सदस्य है। ये जो सीई है, ये जो मेंबर है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था बहुत पहले ही कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो सीरीज शुरू होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है, जो कि 57 इसका एटॉमिक नंबर, इसका 89, ये याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, मैं कई बार से बता रहा हूं। तो लेंथेनम हो गया, एक्टिनियम हो गया। अब इसके बाद जो सीरीज, इसका इसके जो सीरीज हैं जो शुरू होते हैं वो सारे के सारे आते हैं इसमें एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन ये जो लेंथेनम, देखिए यहाँ पर जो लेंथेनम और एक्टिनियम है, एक तो पहली बात 1, 2 और ये 3 तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है,
साथ ही साथ ये डी ब्लॉक के हैं, ठीक है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो लेंथेनम और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक के हैं, ये दोनों स्पेशली डी ब्लॉक के हैं। किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक के। लेकिन इसके बाद जो ये सीरीज शुरू होता है आगे 58 59, वो सब जितने भी एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, ये वाले एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। और कौन सा इनका वो है पीरियड नंबर? तो छठा और सातवां, ठीक है, छठा और सातवां। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 58 वाला जो सेरियम आपका है वो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? एफ ब्लॉक का। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नो यूनिट? अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट आपको पता होगा केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। पास्कल आपको पता होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी, यानी केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका होता है यूनिट। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी, जब भी कहीं रिलेटिव लग गया ना या किसी भी चीज में, रिलेटिव कहने का मतलब ही हो गया कि किसी के सापेक्ष हम किसी चीज को देख रहे हैं। डेंसिटी अब किसी चीज का है वो है केजी पर मीटर क्यूब में, और किसके सापेक्ष चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, उसकी भी जो डेंसिटी होगी वो इसी में होगी, उसका यूनिट यही होगा। तो दोनों कट करके यूनिट लेस आ जाएगा, ठीक है। सो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई यूनिट नहीं है। वट इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सिलरी एंड ऑफ अ नर्व सेल एंड द डेंड्राइट ऑफ एनदर नर्व कॉल्ड? ये देखिए न्यूरॉन है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना ये वाला, वो न्यूरॉन है पूरा। अब हमारे माइंड, हमारे जो हमारा जो सर है उसमें काफी सारे न्यूरॉन होते हैं, है कि नहीं? तो इस नर्वस सिस्टम में जितने न्यूरॉन है उनका ये देखिए जो ब्रांच वाला पार्ट है ना, जैसे ब्रांच की तरह दिख रहे हैं काफी सारे निकले हुए, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। और यहीं पर इसका जो ये निचला तरीके से आप कह लीजिए या फिर जो अदर साइड है, यहाँ पर भी जो ब्रांच की तरह निकले हुए हैं, इनको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो हर एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये वहां पर, यहाँ पर देखिए इसको बड़े रूप में दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका डेंड्राइट वाला पार्ट है, ठीक है, डेंड्राइट। तो इनका जो जंक्शन होता है, इस पूरे जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे जंक्शन को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमसे पूछा था इनके जंक्शन को क्या कहते हैं। और इनके बीच ये जो गैप दिख रहा है ना, यहाँ पर दिखाया गया छोटा सा, इनके बीच ये जो गैप दिख रहा है इसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। हालांकि यहाँ पर हमारा आंसर ए सही है, साइनेप्स, जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है उन्हें साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि इसके ऊपर ये जो गोल गोल सा 1 2 3 4 5 ऐसे करके है ना, गोल गोल से, इनको हम लोग कहते हैं मेलन सीथ। ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के आवरण इस पे चढ़े हुए हैं, तो इनको हम लोग मेलन सीथ कहते हैं। और इनके बीच ये जो छोटा छोटा गैप दिख रहा है, छोटा छोटा गैप, इसे हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। तो नोड ऑफ रेनवियर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नोड ऑफ रेनवियर क्या है, यहाँ पर जो छोटा छोटा गैप दिख रहा है आपको, और ये जो बड़ा बड़ा आपको प्रोटीन के आवरण दिख रहे हैं इसको मेलन सीथ कहते हैं, राइट। आगे है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा आर, वो क्या होता है? रो एल बाई ए, यानी आर जो होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कि प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिल्कुल सही है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए यहाँ पर डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, मैंने इसका हिंदी में नहीं लिया है बट आप समझ गए होंगे। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इजी क्वेश्चन है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव? तो इनमें से कौन से मैकेनिकल वेव्स हैं? ऐसे वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। अब साउंड वेव आपका है, अगर आप इसको वैक्यूम में चलाते हो, ठीक है, तो क्या ये ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा, आवाज सुनाई ही नहीं देगी। आप वैक्यूम में जाओ, चिल्लाओ, सुना ही नहीं देगा। इसको एक मीडियम की जरूरत होगी, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो। तो ऐसे वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है उनको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव, जैसे आपका साउंड वेव। लेकिन ऐसे वेव जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिना मीडियम के भी ट्रेवल करते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? रेडियो वेव, माइक्रोवेव और एक्सरेज, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जो कि एक मैकेनिकल वेव है। द हीट जनरेटेड बाई द इलेक्ट्रिक करेंट इन द वायर ड्यूरिंग टाइम टी इज डिटरमाइंड बाई। अब देखिए हीट अगर जनरेट हो रहा है कहीं भी, अब ये देखिए हमारा एक वायर है, राइट, किसी भी चीज का वायर है जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा मान लेते हैं हाई है। अब इसमें से हम एक करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, ये करंट यहाँ से पास हो रहा है, और कितने टाइम के लिए करा रहे हैं वो टाइम भी गिवन है, हम टी टाइम के लिए करंट को पास करा रहे हैं। तो हमको बताना है इसमें कितना हीट जनरेट हो रहा है।
तो हीट कैसे पता चलेगा? हीट और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक एनर्जी ही है, और एनर्जी क्या होता है, पावर और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हीट हीट क्या, हीट एनर्जी ही तो होता है, हीट एनर्जी हम कह देते हैं सिंपली, ये हमारा उष्मीय ऊर्जा है। तो पावर इंटू टाइम, एनर्जी क्या होता है, कितना पावर है और कितने टाइम के लिए है। तो पावर अब क्या होगा, इस वायर का पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई। अब इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं, और एक आई तो पहले से ही है, तो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर, है कि नहीं। अब ये आई स्क्वायर आर हमारा क्या आ गया, पावर आ गया इस वायर का। तो पावर हम लिख देते हैं आई स्क्वायर आर, और टाइम हमको गिवन है टी सेकेंड, तो टी सेकेंड में यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं टी। तो ये हमारा हो जाता है सिंपली हीट एनर्जी। ठीक है, जो हीट एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी फॉर टी टाइम इन एनी वायर। सो आई स्क्वायर आर टी सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सब स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ गरीबी में आटा गिला है, मतलब स्क्वायर करना था, थोड़ा हो नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं आई ऐसे लिख दिया हूँ, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अब इनमें से कौन सा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए सिंपली कि अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि जो शेयरिंग से बने होते हैं बॉन्ड, ठीक है, जैसे आपका ये क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन और क्लोरीन ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए हुए हैं अपना, ठीक है, तो इससे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये पोलर है कि नॉन पोलर है ये कैसे पता चलेगा, पोलरिटी तब होती है जब एक बहुत ही मजबूत हो एक बहुत ही कमजोर हो, ठीक है, या फिर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव हो एक बहुत ही कम नेगेटिव हो, तब हम कहते हैं कि भैया एक तरफ कोई झुक गया यानी पोलर हो गया। ठीक है, पोलरिटी हो गई इनकी, ये पोलर हो गए। बट क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन पोलर हो जाएंगे। ठीक है, नॉन पोलर, जबकि वाटर मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। सो यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और वहीं पर आपका जैसे ये अमोनिया हो गया NH3, HH और H, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की बहुत कम है, तो इनके बीच भी डिफरेंस अच्छा खासा है, तो ये भी हमारा क्या होगा ये भी हमारा पोलर हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना, CCl, CL, CL और Cl, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कार्बन के कंपेरिजन में, इसको भी पोलर होना चाहिए था, लेकिन ये पोलर नहीं है क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज इतना बैलेंस्ड है कि इसमें पोलरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, CCl4 पोलर क्या बोलते हैं, ये आपका नॉन पोलर नहीं बल्कि आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं, जबकि ये तीनों क्या है आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच, इनके एलिमेंट्स के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है उनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स, अब इनमें से फोर्स का यूनिट कौन है, सबको पता है न्यूटन, पास्कल यानी कि ये आपका प्रेशर हो गया, और जूल आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया, और वाट आपका किसका हो गया, पावर का हो गया। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज सॉफ्ट लाइक वैक्स एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो मोम की तरह नरम होते हैं और चाकू से आसानी से कट जाते हैं। सो पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं और आसानी से चाकू से कट जाते हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन होता है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल बात करें तो सीजियम आपको बताना है, ठीक है, सॉफ्टेस्ट मेटल, और इनमें से अगर बताना हो तो आप सोडियम को बता सकते हो, ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल होता है, या फिर आप कंफर्म करके कमेंट करिएगा कि सबसे सॉफ्ट मेटल इनमें से कौन है। आगे है कि एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर इन सच अ वे दैट 1/3 ऑफ इट्स पार्ट इज अंडर वाटर, द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एन टाइम्स दैट ऑफ वाटर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको आपको जानना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, कुछ इस रहा है, इस तरीके से रहा है कि एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई ग्लास है, इसमें हम कि एक ऑब्जेक्ट को ऐसे डुबो दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो 1/3 हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अब ये पानी में डूबेगा तो आपने देखा होगा कि जब किसी चीज को पानी में डुबोते हो तो एक इधर से भी एक फोर्स लगता है, आप तो फोर्स लगा ही रहे हो उसको पानी में डुबाने के लिए, जिसको आप सिंपली क्या कह दोगे कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स, या फिर आप इसको छोड़ भी दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना, एक FG जो कि नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा, ठीक है, इस पानी के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं
बॉयंट फोर्स, ठीक है। बॉयंट फोर्स क्या होता है वो मैंने यहां पर लिखा, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। ये जो बॉयंट फोर्स है ना, ये हमारा होता है सिंपली रो एफ, वी एफ और जी। जहां पर जो रो एफ है वो क्या है, ये डेंसिटी है ऑफ द फ्लूड, इस फ्लूड की जो डेंसिटी है जितने में ये डूबी हुई है, और वी एफ क्या है, ये वॉल्यूम है जितने वॉल्यूम ये कवर कर रही है, डूबा हुआ जो यहाँ पर जहां पर आपने ऑब्जेक्ट को डुबोया है जितना ये वॉल्यूम कवर कर रहा है वो यहाँ पर वॉल्यूम है वी एफ, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एक जो फोर्स आप लगा रहे हो या फिर ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इसमें छोड़ दिया है तो, ठीक है, तो वो जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं ये वेट है और कुछ नहीं बल्कि वेट है। यानी वेट हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो ये तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, कन्फर्म है। तो वो वेट जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, सिंपली वो रो ऑब्जेक्ट, वी ऑब्जेक्ट और जी, ये होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अगर आप सिद्धांत पे चलोगे तो ये कहते हैं कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का यानी डब्ल्यू, वो बॉयंसी फोर्स यानी कि एफ बी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप बराबर कर दो इनको, इन दोनों को, तो ये एफ बी हो गया, इसको आप वेट के बराबर कर दो, रो नॉट, वी नॉट और जी के बराबर हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो वी एफ है वो क्या है, वी एफ ये वॉल्यूम है किसका, जो फ्लूड यहाँ पर आप जितने जितना यहाँ पर फ्लूड का ये वॉल्यूम कवर कर रहा है उसका आयतन है ये, ठीक है। अब ये कितना है, ये दिया गया है कि द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर दिया है ना, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर इन सच वे दैट वन थर्ड ऑफ इट्स पार्ट इज अंडर वाटर, वन थर्ड पार्ट इसका अंडर वाटर है। तो इस ऑब्जेक्ट का वन थर्ड पार्ट ही ये वॉल्यूम है, तो इस वी एफ की जगह पर हम क्या रख देंगे, वी एफ की जगह पर जो वी नॉट है उसका वन थर्ड पार्ट, ठीक है ना, इसको ये रिप्लेस कर दिया ना, ये वी एफ जो था वॉल्यूम वहां पर ये आ गया है, जो ऑब्जेक्ट है उसका वन थर्ड पार्ट आ गया है। तो ये वन थर्ड पार्ट यहाँ पर हम सिंपली रख देंगे, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा हो जाएगा रो एफ और ये वी नॉट बाई थ्री और ये जी इज इक्वल्स टू रो नॉट, वी नॉट और ये जी। तो यहां से जी और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिंपली आ जाएगा रो नॉट इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री रो एफ। और यही हमसे पूछा था कि द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी रो नॉट इज एन टाइम्स दैट ऑफ वाटर, इज वन बाई थ्री टाइम्स दैट ऑफ वाटर डेंसिटी। तो कितना टाइम्स है, एन टाइम्स, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन बाई थ्री। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना होगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 8 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी 8 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर, ये तो आप लोग कई बार देख चुके हो। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली हमारा प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, अगर आप 8 टाइम्स कर देते हो तो ये सिंपली 64 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जो नई वाली आएगी, ठीक है। सो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 बाई 2 एम हुज वेलोसिटी इज 2 वी। सो मास गिवन है 1 बाई 2 एम, देखिए मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू एम वी। अब ये जो मास है वो हमारा हाफ एम के बराबर है कह रहा है, और जो वेलोसिटी है वो 2 वी हो गया है। तो ओवरऑल फिर से ये कितना रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा एम वी, पी इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा हमारा एम वी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे है कि अ पर्सन है 5 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ विच इज 1 बाई 5 ओम, फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस ऑब्टेंड बाय कनेक्टिंग देम। मैक्सिमम हमको रेजिस्टेंस पता करना है कि हम अगर 1 बाई 5 ओम के 5 रेजिस्टर को किस में कनेक्ट करें, पैरेलली कनेक्ट करें या फिर सीरीज में कनेक्ट करें, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे, ठीक है, सबकी जो वैल्यू है 1 बाई 5 ओम है। तो देखिए आप दो किसी रेजिस्टेंस को उठा लो, दो रेजिस्टेंस में उठा लेता हूं और इनको पहले पैरेलली कनेक्ट करके देखता हूं। पैरेलली मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब इनकी वैल्यू हमको पता है 1 बाई 5 ओम, तो कितना इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये देखिए पैरेलल आप ऐसे सॉल्व करते हो, 1 अपॉन R1, ये R1 है और ये R2 है आपका, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 करते हो, तो 1 अपॉन 1 बाई 5 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 5 आप करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 प्लस 5 हमको 10 दे देगा, यानी ये आपका 1 बाई R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आप R इक्विवेलेंट निकाल देते हो, आप गलती कर देते हो, इसको ऊपर नहीं लेकर के जाते हो। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाई 10 हो जाएगा, यानी 0.1 ओम। अब इसी चीज को आप सीरीज में कनेक्ट करो, जब सीरीज में आप कनेक्ट करते हो 1 बाई 5 ओम को, तो ये तो आर इक्विवेलेंट सीधा डायरेक्टली जुड़ जाता है, यानी 2 बाई 5 हो जाएगा, यानी 0.4 ओम हो जाएगा। तो 0.4 अधिक है या फिर 0.1, तो 0.4 अधिक है, इसका मतलब हम अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो हम इस पांचों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये हमको कितना वैल्यू देंगे, डायरेक्टली जुड़ जाएंगे 1 बाई 5 1 बाई 5 1 बाई 5, तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 5 बार 1 बाई 5 है, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा 1 ओम के इक्वल आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डैश इज अ प्योर सब्सटेंस,
प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट और जो कंपाउंड, जो यौगिक होते हैं, तत्व और यौगिक, ये शुद्ध होते हैं, और बाकी जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो मिश्रण होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। तो चीनी का घोल क्या है, मिक्सचर है, दूध क्या है, एक मिक्सचर है, और जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर है काफी सारे गैसेस का, लेकिन जो मिथेन है ये क्या है, आपका कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डैश जाइगोट इज फॉर्म्ड, तो किसके रिजल्ट से जाइगोट बनता है, तो फर्टिलाइजेशन के, हिंदी में से निषेचन कहते हैं, या कहीं कहीं पर आप देखोगे उर्वरीकरण लिखा होता है, ठीक है। तो उर्वरीकरण या निषेचन या फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, राइट, युग्मनज का निर्माण होता है। डैश मेटल इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब, तो लाइट बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज होता है, तो ये आपका टंगस्टन यूज होता है, ठीक है, W से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 74 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इवन मेल्टिंग पॉइंट कई बार पूछा गया है आपसे, मेल्टिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। नाइक्रोम हीटर में यूज होता है, हीटर के वायर के रूप में, राइट। आगे है द ब्लड ऑफ एनिमल्स ऑफ डैश ग्रुप इज हॉट, तो यहाँ पर किस वर्ग के प्राणियों का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो गर्म होता है, तो जो बर्ड हो गए और जो मैमल्स यानी हम लोग हैं, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स, इनके जो ब्लड होते हैं वो हॉट होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस या पाइसिस क्लास के जो जीव जंतु होते हैं, उनके ब्लड कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है, राइट। सो बर्ड और मैमल्स आपको ध्यान देना है, गर्म खून वाले। Which of the following is the equation showing the relationship between velocity and time? Velocity और time के बीच equation कौन देता है हमको motion का, u plus a t, ये final velocity, ये initial velocity और ये आपका time। तो velocity और time के बीच relation आपको पहला equation देता है motion का, v is equals to u plus a t। Bile juice is secreted from dash in the human digestive system। तो bile juice कहाँ से secrete होता है, liver से, यकृत से secrete होता है, ए option हमारा correct हो जाएगा। सब डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो लीवर यहां पर करेक्ट आंसर है। कहां पर ये स्टोर होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो आपका बाइल जूस है वो कहां पर स्टोर होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, पित्ताशय में। और कहां पर, कहां से सीक्रेट होता है, लीवर, यकृत से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम इन, अब देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच, वो किसमें अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, तो जो सॉलिड होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है। फिर सबसे कम किस में होता है, गैसेस में, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो इनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है। और लिक्विड में इन दोनों के बीच होता है, ठीक है, सिंपली, तो ये इन दोनों के मिड में होगा। बाकी मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ पर होगा, सॉलिड में होगा। तो देखिए अल्कोहल लिक्विड, वाटर लिक्विड, एयर गैस, सो कॉपर रॉड जो तांबे की छड़ है, ये आपका सॉलिड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वो मैक्सिमम होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ शाइनी सरफेस द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स, तो अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी शाइनी सरफेस का, मतलब सिंपली एक प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस हो, उस पर अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये जैसे इंसिडेंट हुई है वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी, हालांकि भले ही किसी डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर ये पैरेलल था तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे जो फिनोमिना है इसको हम लोग कौन सा रिफ्लेक्शन कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये। वहीं पर अगर ये सरफेस शाइनी यानी स्मूथ या फिर प्लेन ना हो करके, अगर ये आपका सिंपली ऐसे हो, इररेगुलर सरफेस हो, तो इस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, अगर ये पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो सकता है एक इधर जाए, तो यहां से वाला हो सकता है इधर जाए, ऐसे हो सकता है इधर चली जाए, या फिर ये इधर जाए, तो ये जैसे इंसिडेंट हुई थी वैसे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, तो इसको हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो यहां पर शाइनी सरफेस की बात हुई थी, तो इस पे जो लाइट इंसिडेंट होगी उससे होने वाला जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि डैश हैव द सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, ये तीन चीजें हैं जिसमें आप आइसोटोप आइसोबार में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, हालांकि ये सिंपल है, बचपन की पढ़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं सेम और यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंट, तो अगर आप इसके हिंदी नाम में जाओ तो और भी आसान हो जाएगा। यहां पर लिखा है समभारिक, यानी समान होता है भार, भार जिसमें समान वो आइसोबार होते हैं। तो सेम में मैं इस आइसोबार के सामने क्या लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका क्या होता है, सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट हमारा एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट होता है। तो अब आपको यदि ये एक याद हो गया तो फिर दूसरा याद करने की जरूरत है नहीं, आइसोटोप वैसे ही ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सेम होगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास यहाँ पर क्या होगा आपका,
डिफरेंट होगा। तो ये आपका आइसोटोप हो गया। आइसोटोन में क्या होता है कि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ना, वो सेम होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बाकी यहां पर एटॉमिक नंबर या और एटॉमिक जो मास होता है वो दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। अब अगर इनसे, अगर आपका एग्जांपल पूछे कि आइसोटोप के एग्जांपल बताइए आइसोबार के, तो आइसोटोप के एग्जांपल के लिए यहां पर सबसे बढ़िया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जो कि आपसे अक्सर करके पूछा जाता है, जिनके एटॉमिक नंबर तो एक है यानी सेम है, बट एटॉमिक मास इनका हाइड्रोजन का एक होता है, ड्यूटेरियम का दो और ट्रिटियम का तीन होता है। ऐसे ही कार्बन के जितने रूप होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या है यानी पी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉनों की संख्या 6, 6, 6 तीनों में है, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो 12, 13 और 14 है। तो देखिए मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल थे वो किसके थे, आइसोटोप के थे। आइसोबार का एग्जांपल पूछे तो आप सिंपली याद रखिए आर्गन, इसके बाद जस्ट आता है आपका पोटेशियम और कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, 19 और इसका 20। अब इनके जो मास नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, यानी एटॉमिक मास, वो 40, 40, 40। हालांकि यहाँ पर ये 39 पॉइंट समथिंग होता है जो 40 के करीब होता है, यहाँ पर भी 39 पॉइंट समथिंग होता है जो 40 के करीब होता है, और कैल्शियम का 40 पॉइंट समथिंग होता है। तो इनको हम मान लेते हैं कि ये 40, 40, 40 इनका एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 अलग अलग है। तो ये आइसोबार के एग्जांपल हो गए। अब आइसोटोन्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, तो ये आप लिख लीजिए सिलिकन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 पता होगा सबको, फास्फोरस का 15 और सिलिकन का 14, और इसका एटॉमिक मास 32 होता है, इसका एटॉमिक मास 31 होता है और इसका एटॉमिक मास 30 होता है। अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू जो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर को यदि मैं कुछ भी मान लेता हूं, यहां पर ए मान लेता हूं, और एटॉमिक नंबर को यदि मैं पी मान लूं, मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या, तो ए माइनस पी यही हमारा प्रोटॉनों का संख्या होता है। तो देखिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, यहां पर ये आपका हो जाएगा सिंपली ये 30 है ना, हाँ सही है 30, तो ये हमारा सिंपली 16 हो जा रहा है, यहाँ पर भी 16, इसको घटाने पर, इसको भी घटाने पर 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन कर देता हूँ, ये आपका न्यूट्रॉनों की जो संख्या, ये आप देख सकते हो कि सिंपली कितना है 16 आ रहा है हर एक में, लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये क्या है आपके डिफरेंट है। तो ये हमारे क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। तो अब से आपको याद रहेगा कि क्या किसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है और इनके एग्जांपल्स आप इनको ध्यान में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है, मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ, अभी हमने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता था कि आयरन या फिर स्टील जो है इसके ऊपर जिंक का परत चढ़ाना, ये गैल्वेनाइजेशन होता था। लेकिन जो मेटलर्जी है ये होता है टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मेटल्स को उसके उनके अयस्कों से बाहर निकालना ही मेटलर्जी कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सिनेबार हो गया, ये पारा का अयस्क है, इससे एचजी को अलग करना ही क्या कहलाएगा, मेटलर्जी कहलाएगा, धातु कर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखना और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। आगे है कि डैश आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक ट्राइट्स, आनुवंशिक गुणों के वाहक कौन है। अब देखिए आनुवंशिक गुण का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाले गुण होते हैं माता पिता से, अगर हम बात करें माता पिता से जो बच्चों में आ जाते हैं मौलिक गुण, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक ट्राइट्स। तो ये किसकी वजह से होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर ऐसे जीन्स देना चाहिए था, ठीक है, मेन जो फैक्टर होते हैं जीन्स। हालांकि ये डीएनए भी आप करेक्ट कर सकते हो या फिर क्रोमोसोम यहाँ पर दिया होता उसको भी आप करेक्ट कर सकते थे। एक्चुअली आपने सुना भी होगा कि डीएनए टेस्ट हम लोग क्यों कराते हैं, खासतौर से कि ये पता करने के लिए कि जो बच्चे हैं या फिर कोई बच्चा है वो उसके माता पिता को पहचानने के लिए किया जाता है या फिर किसी सगे संबंधियों के लिए किया जाता है, साथ ही साथ कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए करता क्या है, ये जीन्स को ही पहचानता है, ठीक है, जीन्स को पहचान करके ही बताता है कि हाँ ये बच्चा जो है वो इन्हीं का है, ठीक है, या फिर इन्हीं सगे संबंधी का है। तो डीएनए टेस्ट आप जानते होंगे, तो डीएनए को आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो, या फिर जीन्स ऑप्शन में होता तो इनको करेक्ट कर सकते थे, या फिर क्रोमोसोम होता तो उसको करेक्ट कर सकते थे। तो फिलहाल में यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर, तो एक बार पीरियोडिक टेबल में फिर से घूम लीजिए। अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल्स का, तो ये ग्रुप नंबर 1 के जितने एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं एल्कली मेटल्स। नोबल गैसेस की बात करें तो ग्रुप नंबर जो 18 होते हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन्स, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। और एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं। देखिए ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट आपको याद होगा कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो हली ना करब कसफर, ली ना करब कसफर ऐसे करके, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या है ग्रुप नंबर 1 के, और इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स।
और नोबल गैसेस आपके क्या हो गए, 18, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन, हीलियम हो गया यहाँ पर, हीलियम के बाद आपका हो गया आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके नोबल गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हीलियम के बाद आप नियॉन लिख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपके नोबल गैसेस हो गए ग्रुप नंबर 18 के। और हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन ग्रुप के, वो कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये आपके ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हो गए, जिनको हैलोजन कहते हैं। एल्कली अर्थ मेटल में क्या आते हैं, बे मग का सरबारा, ठीक है, बे मग का सरबारा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, ये आपके ग्रुप नंबर 2 यानी एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रुप नंबर 18 को हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं, जिनमें ये एलिमेंट आते हैं। आगे है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.xH2O। सो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, यानी जंग लगने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एलिमेंट और उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर आयरन पर यदि जंग लग रहा है तो ये Fe2O3.xH2O हो जाएगा। आगे है एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, फाइंड इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट कितना अपना आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है किसी भी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, तो वही हमारी वैलेंसी हो जाती है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होंगे, ये लूज होंगे, ठीक है, गेन तो करने के लिए बहुत मुश्किल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये और किसी भी एटम के साथ शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो यहाँ पर वैलेंसी को आप सिंपली 2 मान के चलोगे, ठीक है, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो ऑप्शन में अगर माइनस 2 दिया है तो इसको इग्नोर करोगे आप, सी को ऑप्शन टिक कर दोगे, राइट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता तो वो भी 2 ही होता, और वैलेंसी भी इसकी क्या है, 2 है। आगे है कि अ पॉर्टर लिफ्ट्स अ 20 kg लोड फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेस इट ऑन हिज हेड 2 meters अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लोड। मतलब एक कूली है जो जमीन से 20 kg का सामान ऊपर उठाता है, ठीक है, ये कूली है, जमीन पर रखा हुआ जो सामान है इसको 20 मीटर ऊंचाई पर अपने सिर पर इसको उठाता है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई पर। तो यहाँ पर हमको स्ट्रेट ही मानना है कि उठा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे तिरछा मानना है, तो 20 मीटर ऊंचाई पर इसको उठा रहा है, तो ये कितना कार्य कर रहा है। तो जब भी ऊंचाई की बात आती है, मैंने बोला आपको कि ये जो कार्य कर रहा है, जब तक ये इस सामान को ऊपर यहाँ पर पहुंचाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी हमारा क्या होता है, वर्क होता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है mgh। तो मास यहाँ पर कितना है, 20 kg है, और g की वैल्यू गिवन है 10 m/s² और h की वैल्यू गिवन है 2 meters, तो ये कितना वर्क करेगा, तो ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है 400 joule। तो ये तो बिना पेन पेपर का क्वेश्चन था, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। जब भी हाइट की बात आ जाए तो आप पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाया करिए। आगे है कि एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, द कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पर अगर मेथ होता, METH ANOIC, तो मैंने आपको बताया है कि मेथ, एथ और प्रोप ऐसे करके ये क्या होते हैं, प्रफिक्स होते हैं। मेथ का मतलब होता है 1 carbon, एथ का मतलब होता है 2 carbon और प्रोप का मतलब 3 carbon, ऐसे ही चलता चला जाता है। तो यहाँ पर अगर मेथेनोइक होता तो 1 carbon होता, यानी HCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड होते हैं, तो HCOOH को हम लोग कहेंगे मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। और इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ये आपसे अक्सर करके पूछता है कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये लाल जो चींटियां होती है ना उनमें पाया जाता है, लाल चींटियों में। और कहाँ पाया जाता है, तो ये बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो आप इनको बताइएगा कि बिच्छू के डंक में, चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या फिर जो शहद पे मधुमक्खियां लगी होती हैं उनमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपका मेथेनोइक है, ठीक है, जिसमें 1 carbon है। अब यहीं पर अगर 2 carbon हो जाए तो वो एथ हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा CH3COOH। देखिए 2 carbon हो गए तो ये एथेनोइक एसिड हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये आपका विनेगर में पाया जाता है, ये सब काफी फेमस क्वेश्चन है, सिरके में पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाम इसका क्या है, एसिटिक एसिड है। आगे है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसमें पक्का है कि गलती करोगे, मुझे पता है क्यों गलती करोगे। जैसे करके देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा के ई है और ये होता है 1/2 mv², हमको नया काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी न्यू, और हम यहाँ पर वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, शुरुआती वेग से दोगुना कर रहे हैं, ठीक है, ये दोगुना हो जाता है।
तो कर दीजिए दोगुना। जब दोगुना आप कर दोगे इसको तो ये हमारा सिंपली 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा और ये 1/2 mv² हो जाएगा। यानी कि जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है, न्यू काइनेटिक एनर्जी वो 4 टाइम्स जो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी थी उसके हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये पूछा है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, तो आप देखोगे 4 टाइम्स हो गया, तो आप 4 को टिक कर दोगे, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगी, यानी कितने गुना इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट पूछा है, न कि पूछा है कितने गुना हो जाएगा केवल। अगर पूछता तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी तो आप 4 आंसर टिक करते, लेकिन यहाँ पर पूछा है कितने गुना वृद्धि होगी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी के ही थी, देखिए अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 4 के ही। तो आप देख सकते हो सीधे सीधे कि 3 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं? के ई से 4 के ई तक जाने में कितने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ी, 4 के ई - के ई, यानी कि आपको टोटल 3 काइनेटिक एनर्जी की वृद्धि हुई है। पहले एक था, आप 4 हो गया, यानी कि 3 की वृद्धि हुई है। तो आपको 3 आंसर टिक करना है, ना कि 4। तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़ना था, अदरवाइज गलती हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के मान को कौन अफेक्ट नहीं करता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पता होगा फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है जी। एम ई आपका मास ऑफ अर्थ है और ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कहने का मतलब अर्थ की जो रेडियस है, यानी कि अर्थ के शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये इसको अफेक्ट करेगा, इसके चेंज होने से जी की वैल्यू चेंज होगी, तो ये तो सही नहीं हो सकता है। डेप्थ के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ का फॉर्मूला आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 - डेप्थ / रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये डेप्थ पे भी डिपेंड करता है, तो डेप्थ पे भी ये डेप्थ भी इसको अफेक्ट करेगा, तो ये भी सही नहीं हो सकता। अल्टीट्यूड, अगर हम किसी भी वस्तु का जो एक्सेलरेशन है उसको पृथ्वी पर देखें और हाइट पर, या फिर मून वगैरह पर देखें, प्लैनेट पर देखें किसी अदर, तो वहां पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है, तो अल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ये भी इसको अफेक्ट करेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। मास पर भी देखिए डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे ही फ्रेम किया गया था, यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया गया है उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ पर लिखना चाहिए था मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देख रहे हैं, उस मास के ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मास तो यहाँ पर हम लोग अर्थ का भी मास ले सकते थे जिसपे कि ये डिपेंड करता है, तो ये आपका चारों का चारों गलत हो जाता, बट ऑप्शन ऐसे फ्रेम किया गया था। और आपको पता भी होगा कि मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास जो पृथ्वी पर होता है वही मास मून पर भी होगा। ठीक है, मास चेंज नहीं होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होगी, बट यहाँ पर उसको लिखना चाहिए था मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज एल देन द वेवलेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये क्रेस्ट क्या होता है, तो कोई भी वेव जब बनता है तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है, एक हाई एम्पलीट्यूड होता है यानी मैक्सिमम, और एक लोवेस्ट मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और मिनिमम वाले को ट्रफ कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 2 क्रेस्ट के बीच लगातार, वो भी यानी कंसेक्यूटिव, यहाँ पर एक क्रेस्ट यहाँ पर एक क्रेस्ट, इनके बीच का लेंथ हमको दिया है एल और पूछ रहा है कि बताइए इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ एक्चुअली वो होता है, किसी भी वेव का वेवलेंथ वो होता है एक मिनिमम डिस्टेंस, हम यहाँ से अगर मैं इसको पिक कर दूँ रेड कलर से, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस वेयर एनी वेव रिपीट इटसेल्फ, यानी कि ये जो वेव है अगर यहाँ से हम देखें, तो देखिए यहाँ से ये चलता हुआ ऐसे गया, यहाँ पे आया, तो अब ठीक इसी तरह से फिर से ये अपने आप को देखिए रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये फिर से अपने आप को यहाँ पर ऐसे ही रिपीट कर रहा है, तो जहां से हम स्टार्ट किए हैं और फिर हम देख रहे हैं कि कहाँ से ये दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा है, वहां तक का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो ये जो क्रेस्ट होता है, ये अगर इस पॉइंट को हम क्रेस्ट मान रहे हैं तो इस पॉइंट को भी क्रेस्ट मान रहे हैं। अब ये भी देखिए कि यहाँ से वेव अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है, तो ये जो लेंथ है, इस मिनिमम लेंथ को भी हम लेमडा कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं। तो इस लेमडा की जो डिस्टेंस हमको गिवन है एल, तो ये लेमडा हमारा इसी एल के बराबर हो जाएगा, इस वजह से डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो वेवलेंथ जरूरी नहीं है कि क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच के ही लेंथ को हम लेमडा कहते हैं, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो ये है कि इस वेव में जहां भी कहीं भी एक पॉइंट को पिक करिए, उस पॉइंट से देखिए कि आगे ये वेव कहाँ पर अगेन रिपीट कर रही है, तो जहां से रिपीट करेगी उसके बीच का जो मिनिमम लेंथ है वही हमारा वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा, एल। आगे है कि द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज, तो निष्क्रिय नहीं, यहाँ पर उदासीन होना चाहिए। ठीक है, उदासीन जो लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा,
तो ये अगर आप भूल जाओ कि किसमें नीला से लाल, लाल से नीला होता है, तो मैं आपको एक बेतुका सा ट्रिक बता रहा हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। नीला अंबर, अगर आप इसको याद रखते हो तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा। नी का मतलब हो जाएगा नीला, और ला का मतलब हो जाएगा लाल, और अंबर में से केवल आप अम चुरा लो तो ये हो जाएगा अम्ल, ठीक है, यानी एसिड। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको एक याद हो गया एसिडिक सोल्यूशन तो दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो बेसिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, जो बेस होगा, जो क्षार होगा, उसमें फिर ठीक उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो, नहीं तो भूल जाएगा, मुझे पता है आगे चल करके आप भूल सकते हो कि कौन सा क्या था। तो नीला अंबर आपको याद रहेगा, बस आप नीला अंबर याद रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिटमस वाला। तो ये तो रहा आपका एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन के लिए। और जब न्यूट्रल लिटमस होता है तो ये कैसा कलर देता है, तो ये आपका पर्पल कलर देता है, ठीक है। हालांकि पर्पल मैंने दोनों ऑप्शन में दिखा रखे हैं, एग्जाम में आपके यहाँ पर वायलेट लिखा गया था, ठीक है। वायलेट का मतलब देखिए बैगनी, कहीं कहीं पर इसको पर्पल भी दिखा दिया जाता है, पर्पल का मतलब बैगनी, आप देखोगे गूगल में ट्रांसलेट करके तो पर्पल का मतलब बैगनी भी दिखाया गया है। बट जो करेक्ट आंसर दिया था एग्जाम ने वो पर्पल कलर को करेक्ट माना था, यानी जामुनी कलर को, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप करेक्ट करिएगा, पर्पल जामुनी, वायलेट को नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रल जो लिटमस होता है वो पर्पल कलर देता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। आगे है कि द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज, लार्जेस्ट ग्रुप एनिमल्स का क्या है, एनिमिलिया जो किंगडम होता है उसका, हमने किंगडम के बारे में पढ़ा था, बट इसमें यहाँ पर ग्रुप नहीं फाइलम होना चाहिए था कि एनिमिलिया का लार्जेस्ट फाइलम संघ कौन सा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, आर्थ्रोपोडा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, ये लार्जेस्ट आपका है। और वहीं पर सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, तो वो मोलस्का है। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आते हैं, लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन या प्रॉन, अगर हिंदी में बोलूँ तो जैसे तिलचट्टे हो गए, तितलियां हो गई, बिच्छू हो गया, और केकड़े हो गए, जिनको आप सिंपली देख पाते हो ना अपने आसपास खेतों में, ऐसे देख पाते हो, ये सबसे लार्जेस्ट हैं। और वहीं पर खेतों में जो केचुआ और जोंक पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एनिलिडा, एनिलिडा संघ के होते हैं, ठीक है, केचुए हो गए, जोंक हो गए। और मोलस्का की अगर हम बात करें तो जो समुद्रों के किनारे जैसे घेंघे पाए जाते हैं और ऑक्टोपस जो पाए जाते हैं समुद्रों में, वो आपके क्या हो गए, मोलस्का संघ के हो गए। और नेमोटोडा की बात करें तो जितने राउंड वॉर्म होते हैं, यानी जो गोल क्रीमी होते हैं, ठीक है, गोल क्रीमी, ये आपके क्या है, होते हैं नेमोटोडा संघ के होते हैं। तो यही बेसिकली आपको याद रखने हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेमोटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का को आप याद रखिए विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, ये आपके हैं, जैसे आप सिंपली देख सकते हो कि ये आपके तिलचट्टे, तितली, बिच्छू जो हो गए या फिर केकड़े हो गए, ये सब आपके जो सबसे लार्जेस्ट था आर्थ्रोपोडा उसके हैं। फिर ये जो केचुआ, जोक, ये सब हो गए, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं एनिलिडा के। और मोलस्का जो सेकेंड लार्जेस्ट आपका होता है, जिसमें आपके घेंगे जो इस तरीके के आप देखते होंगे समुद्रों के किनारे, और ये जो ऑक्टोपस होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट, यानी मोलस्का संघ के हैं। और नेमोटोडा के ये जो गोल क्रीमी होते हैं ना, राउंड वॉर्म से इतने होते हैं, वो आपके नेमोटोडा संघ के होते हैं, राइट। आगे है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि की विशेषता, यानी प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी उससे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, ये आपको बताना है। तो आप अपने घरों में अपना चेहरा देखने के लिए जो मिरर यूज करते हो वो सिंपली क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। अब इस प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो इमेज भी ठीक आपके साइज का ही बनता है इसके पीछे, ठीक है, तो सेम साइज, ये बिल्कुल सही है, और सीधा बनता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, इरेक्ट, तो इरेक्ट भी हमारा सही है। और अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल कन्फर्म है, ये दोनों भाई भाई होते हैं, मैंने पहले भी बोला कि अगर इमेज वर्चुअल है तो कन्फर्म है कि वो इरेक्ट होगा ही होगा, और अगर इमेज हमारा क्या है, रियल है, ठीक है, वर्चुअल नहीं, रियल है, तो ये आपका इन्वर्टेड होगा, राइट। तो हालांकि यहाँ पर जो इमेज होता है पीछे बनता है दर्पण के, तो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल भी हमारा सही है और इरेक्ट भी सही है। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर आप यहाँ से बायां हाथ, लेफ्ट हैंड अपना उठा रहे हो तो आपको मिरर में दाहिना हाथ दिखेगा उठता हुआ, और दाहिना हाथ अगर उठा रहे हो तो आपको बायां हाथ अपना उठता हुआ दिखेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग पार्श्व तौर पर उल्टा, यानी लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड देख के कंफ्यूज नहीं होना है, लैटरली इन्वर्टेड यहाँ पर लिखा गया है, तो ये भी हमारा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि साइज भी सेम होता है, इरेक्ट सीधा होता है, और वर्चुअल आभासी होता है, पार्श्व तौर पर उल्टा होता है, साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस होता है ये भी सेम होता है, यानी मिरर से जहां तक आप खड़े हो वो डिस्टेंस, और जो पीछे आपका इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस भी सेम होता है। आगे है कि कोकोनट बार्क इज फाउंड बाय विच टिश्यूज, तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है, तो ये जो डेड सेल होते हैं ना जिसमें पाए जाते हैं उनके द्वारा होता है, डेड सेल। तो डेड सेल जो पाए जाते हैं वो स्क्लेरेन काइमा होते हैं, ठीक है, स्क्लेरेन काइमा ये डेड सेल होते हैं, बाकी जो कोलेन काइमा, पेरेन काइमा होते हैं ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
इनसे बनता है नारियल का छाल, स्क्लेरेन काइमा से। ठीक है, याद रहेगा नारियल की छाल किससे बनती है, स्क्लेरेन काइमा से। आगे है कि बाई वॉट नेम इज द डिसोल्यूशन ऑफ एन एसिड आर बेस इन वाटर नोन। तो पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने से इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जब भी आप जल में एसिड और बेस का सॉल्यूशन करोगे एक साथ, तो इससे एनर्जी कुछ रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज हुई हीट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि अ मोबाइल फोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैल्कनी इफ द मास ऑफ द मोबाइल फोन इज 0.5 kg एंड द मोबाइल फोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मोबाइल इज। तो ये तो फिर भी, ये भी आपका बिना पेन पेपर सोल्यूशन है। हाइट दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है आपको, जी की वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, एमजीएच हो जाएगा, और ये सिंपली कितना हो जाएगा, मास आपका है 0.5, जी आपका है 10 और हाइट आपका है 100 मीटर। तो हो गया ना आपका 14 में 1000 हो गया, और 1000 में अगर आप 0.5 करते हो तो ये 500 जूल आ जाता है। ठीक है, ये केजी में ही रहेगा, ये मीटर में रहेगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट है, आप सिंपली क्वेश्चन पढ़ते मन में ही आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कितना है 100 मीटर ना, हाँ तो 1000 सही है। आगे है कि वेयर डज पायरविक डिस इंटीग्रेट यूजिंग एनर्जी। अब देखिए जो पायरविक होता है उसका विघटन कहाँ होता है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए। पायरविक एक तरीके का एसिड है। तो जो भी हम खाते पीते हैं ना, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जब अपने टूट जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, है कि नहीं। और ये 6 कार्बन वाला होता है, ठीक है, C6। तो ये पहले इसका टूटना जो होता है वो पायरुविक एसिड में टूटता है, और पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। तो पहला तो क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है, पीछे आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो ये 3 कार्बन वाला होता है जो आपका पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो पायरुविक एसिड होता है जो टूटता है, ये किस में टूटता है, तो ये साइटोप्लाज्म में टूटता है, साइटोप्लाज्म में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के देखिए प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, सॉरी, ये आपका पायरुविक एसिड में टूटता है, ये आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा था। अब क्या होगा आपका, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है, तो ये जो पायरुविक होता है, पायरुविक एसिड, ये एनर्जी को रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी को कहाँ पर रिलीज करता है ये, तो माइटोकांड्रिया में रिलीज करता है। आपने सुना होगा माइटोकांड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एटीपी जो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है वो माइटोकांड्रिया में होती है। तो यही पूछ रहा है कि जो पायरुविक एसिड होता है इसका विघटन कहाँ पर होता है, तो इसका विघटन माइटोकांड्रिया में होता है, जबकि जो ग्लूकोज होता है इसका विघटन कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पर 6 कार्बन 3 कार्बन में टूट जाता है, और फिर ये 3 कार्बन आगे चल करके एनर्जी का निर्माण करता है एटीपी के फॉर्म में। तो ये आपके रहे टोटल 50 क्वेश्चन आज के, 375 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट आपका हो गया है, ठीक है। फिर अगर आपको ये ठीक ठाक लगा होगा तो लाइक करिएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।